इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों की शुरुआत अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी से ही करेंगे। अर्णव गोस्वामी को आज अदालत से राहत नहीं मिली, लिहाजा जमानत को रद्द कर दिया गया, 14 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया। भले ही मोदी हुकूमत अर्णव गोस्वामी की हिमायत में खड़ी है, पर अदालती कार्रवाई करते हुए जमानत को खारिज कर दिया गया। यहाँ तक कि अदालत में जब अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक टीवी पर एंकरिंग की तरह कुछ कहने लगे तो जज ने उन्हें अजीब हरकत करने से मना करते हुए खामोश बैठने को कहा। वहीं दूसरी ओर अन्वय नाइक की बीवी और बेटी ने साफियों से मुखातिब होते हुए कहा कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी से हम बहुत खुश हैं और यह गिरफ्तारी पहले ही होनी थी, पर पहले की भाजपा हुकूमत ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया और किसके दबाव में आकर कार्रवाई क्यों नहीं की समझ में नहीं आया। खैर, इतना तो जरूर है कि भाजपा वालों के लिए और मोदी भक्तों के लिए कुछ अच्छी खबरें हासिल नहीं हो रही है। वहीं अमेरिका इंतखाबात में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक जो बाइडन जीत हासिल कर सकते हैं, भारत में मोदी भक्त ट्रंप की जीत के लिए हवन और पूजा पाठ भी कर रहे थे। यह अंधभक्तों का मामला भी कुछ समझ के बाहर नजर आता है। भारत की अपनी विदेश नीति होती है जिसके तहत फैसले लिए जाते हैं, पर सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ फैसलों के मद्देनजर कभी ट्रंप तो कभी फ्रांस के मैक्रोन की हिमायत या भक्त करते दिखाई देते हैं। खैर, भारत के वजीर आजम ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, पर अब जो बाइडन जीतते हैं तो क्या भारत को लेकर विदेश नीति अमेरिका की क्या होगी, यह भी सोचने की बात। जो भी हो, अमेरिका अपने मुफाद को हासिल करने के लिए और तालिबान के हाथों अफगानिस्तान में मार खाने के बाद पाकिस्तान की हिमायत नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। खैर, इतना तो जरूर है कि मोदी हुकूमत में विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी गलत ही साबित हुई है। यहाँ तक पड़ोसियों से ताल्लुकात सही ना होना आलमी सियासत पर इसका भी असर देखा जा सकता है, जिसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर चीन के साथ भारत को दुश्मनी क्या फायदेमंद होगी, क्योंकि आलमी बाजार में चीन का दखल काफी है और सस्ते दामों में चीन अपनी चीजें बेचता रहता है। अगर भारत चीन की चीजों का बायकॉट भी करता है तो इतने सस्ते दामों में कोई और मुल्क इलेक्ट्रॉनिक या दिगर चीजें बना सकता है? क्या भारत भी ऐसी चीजें बनाने के लिए काबिल है, यह भी सोचना पड़ेगा। भारत की गिरती मईशत में मोदी सरकार और क्या नए फैसले लेती है, देखना होगा। रही बात भारत के सियासत की, तो बिहार चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन मकबूलियत और भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। नौजवान तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 230 से भी ज्यादा चुनावी इजलास तेजस्वी यादव ने किए। यहां तक कि आज आखिरी दिन भी 17 चुनावी रैलियों में तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। योगी जैसे प्रचारक हिंदुत्व का राव अलाप रहे हैं, पर आवाम रोजगार बिजली पानी पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसा कह रही है। योगी ने एनडीए की कामयाबी का जिक्र करते हुए कश्मीर में धारा 370 राम मंदिर 3 तलाक को बड़ी कामयाबी बताई। वही आवाम में इस बात पर इत्तेफाक ना करते हुए नीतीश हुकूमत ने मुंह से कैसे निवाला छीना है और रोजगार चाहिए के नारे मोदी योगी की रैलियों में दिखाई दे रहे थे। वही चिराग पासवान ने भी मोदी नीतीश की नींदें उड़ा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन के वोट काटने के तौर पर एमआईएम को देखा जा रहा है। मुस्लिम वोटर्स एमआईएम के बावजूद भी महागठबंधन की तरफ ही झुकाव नजर आ रहा है। खैर, इतना तो जरूर है कि इस बार तेजस्वी यादव के महागठबंधन को जीत मिलती दिखाई दे रही, जिससे भाजपा एनडीए नीतीश कुमार योगी मोदी खेमे में मातम का माहौल दिखाई दे रहा है। क्या मोदी हुकूमत का बुरा वक्त शुरू हुआ है, ऐसा भी आवाम की जानिब से कहा जा रहा है। अब एक नजर मकामी खबरों की तरफ। अमेरिका इंतखाबात में बेलगाम की भी अवाम का अपना दखल देखा जा रहा है। ताज्जुब होता है ना सुनकर, लेकिन यह सच है कि बेलगाम शहर के एक शख्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी से जीत दर्ज की है। डॉक्टर श्री थानेदार इनका नाम है, जिन्होंने 1979 को अमेरिका के लिए बेलगाम से हिजरत की थी, पर ट्रंप के खिलाफ
जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी से मिशिगन से जबरदस्त जीत हासिल की है, इन्हें 93% वोट हासिल हुए। डॉक्टर श्री थानेदार बेलगाम शाहपुर मीरापुर गली से हैं। इनकी 10वीं तक इनकी पढ़ाई चिंतावन राव हाई स्कूल से हुई, फिर बीजापुर में 18 साल की उम्र में ही बैंक ऑफ इंडिया में मुलाजमत करते रहे। बैंक में काम करते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल फरमाई, उन्होंने किताब भी लिखी जिसको काफ़ी मकबूलियत भी हासिल हुई है। इनका नाम श्रीनिवास थानेदार है। अब इनका शुमार अमीरों में है। इनकी उम्र 65 साल है। यकीनन बेलगाम वालों के लिए ये फख्र की बात है कि हमारे शहर का एक शख्स अमेरिका में जाकर अपनी कामयाबी के परचम लहराता, आज उनका नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। वैसे तो और भी 4 उम्मीदवार हैं जो भारत से हैं, जिन्होंने अमेरिका के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, पर बेलगाम शहर से ही ताल्लुक़ रखने वाले के तौर पर जब जिक्र लिया जाता है श्रीनिवास थानेदार का, तो बेलगाम वालों के लिए यकीनन यह फख्र महसूस करने के काबिल है। बेलगाम जिला में शहर सरपरा यानी नगराध्यक्ष के इंतखाबात अमल में आए खानापुर नगराध्यक्ष के तौर पर जनाब मजहर रफी खानापुरी को बिन विरोध यानी बिला मुखालिफ के मुंतखब किया गया। इसी तरह उप नगराध्यक्ष के तौर पर लक्ष्मी निम्बर्गी को बनाया गया। कुल 18 उम्मीदवारों ने अपनी अर्जी दाखिल की थी, पर सिर्फ एक ही अर्जी इलेक्शन अफसर के पास पहुंची तो इनकी जीत का ऐलान किया गया। वैसे तो पिछले 26 महीनों से रिजर्वेशन के मामले को लेकर मामला जेर अदालत था। तहसीलदार रेशमा तालीकोटी ने सदर शहर और नायब सदर के अहदों को बिला किसी मुखालफिन के मुंतखब करने का ऐलान किया। मजर खानापुरी की जीत पर तमाम शोबे के लोगों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की है। महंगाई गरीब आवाम का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कोरोना आलमी वबा ने ना सिर्फ कारोबार को तबाह किया बल्कि जिंदगी का गुजर बसर ही मुश्किल कर दिया। अब एक और बिजली का झटका गरीब आवाम को खाना पड़ रहा है। जमनी इंतखाबात खत्म होते ही यानी कि बाई इलेक्शंस खत्म होते ही येडियुरप्पा हुकूमत ने बिजली के दामों को और बढ़ा दिया है। हुकूमत की जानिब से 40 पैसे यूनिट का इजाफा करने का ऐलान किया गया है। 1 नवंबर से अमल जारी है ऐसा भी बताया गया। जिस तरह बेलगाम कारपोरेशन महकमा बेफिक्र है, इसकी मिसाल अशोकनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आता है। म्यूनसिपालिटी की जानिब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कयाम तो अमल में आया, पर अब तक अवाम को इसका फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। साबिक एमएलए जनाब फिरोज सेठ के हाथों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम, बैडमिंटन हॉल, स्विमिंग पूल की इफ्तिताही कामों की शुरुआत तो हुई और मुकम्मल भी हुआ, पर कोई देखभाल के लिए कोई ठेकेदार नहीं मिल रहा। यह बहाना बताकर अब तक इसे आवाम के लिए खोला नहीं गया। स्विमिंग पूल यूं ही सूखा पड़ा हुआ है। आवाम की जानिब से सवाल पूछा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए तमाम सहूलतें मुहैया करने की सिर्फ बातें होती है, इसलिए भी कि गरीब आवाम महंगे जिम को जा नहीं सकते। और यही बात इसकी इफ्तिताह के वक्त भी बताई गई थी, पर आवाम की खिदमत में यह कब पेश किया जाएगा। यहाँ वर्जिशगाह भी है और अतराफ के नौजवानों को इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। इसे जल्द खोल दिया जाए, वरना तो कई सारी इमारतें यूं ही बंद पड़ी हुई है। एक और इसमें इजाफा ना हो, हुकूमतों को या कॉरपोरेशन को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऐसी कई इमारतें बंद रहती है और सरकारी नुकसान से सिर्फ आवाम का ही नुकसान हो सकता है। लिहाजा जल्द शुरू करने का मुतालबा आवाम की जानिब से किया जा रहा है। नौजवानों के लिए मौजूदा हालात में इस्लामी तालीमात के साथ दुनियावी तालीमात हासिल करने का एक बेहतरीन मौका बेलगाम शहर में शुरू किया गया है। तरबियती क्लासेस के तौर पर मुस्लिम नौजवानों को दीनी इल्म के साथ दुनियाई तरबियत भी देने का काम जनाब मुफ्ती तुफैल अहमद साहब ने शुरू किया हुआ है। इस तरह का काम बेलगाम शहर में पहली मर्तबा उल्मा दानिश्वरों की रहनुमाई में ईमान अकायद वालिदैन के साथ सुलूक सेहत आदतें बुरी आदतें इंटरनेट के जरिए वीडियो गेम पर अपना वक्त जाया करना जिस्म को कवि बनाने के लिए वर्जिश तिजारत कारोबार अरबी ग्रामर और भी दिगर दीनी और दुनियाई तालीमात हर हफ्ते जुमा के रोज शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे तक दिया जाएगा। राब्ता कायम करें मुफ्ती तुफैल अहमद मौलाना आसिफ, पता है बैतुस्सलाम बिल्डिंग शिव तीर्थ अपार्टमेंट के पीछे महंतेश नगर बेलगाम। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।